नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम एक धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस धर्म की ओरिजिन तो ईरान मानी जाती है, लेकिन ये धर्म हमारे इंडिया में बहुत पाया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पे कई धर्म के लोग बड़े खुशी के साथ रहते हैं, हर तरह के त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है पारसी धर्म, जिसको हम लोग जोरोएस्ट्रियनिज्म भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। जानते हैं क्योंकि धर्म चाहे हमारा कोई भी हो, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और अगर हम किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, लेकिन हमें सारे धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उनका सम्मान कर पाएंगे, तभी हम उनकी अच्छी बातों को ग्रहण कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन का बटन होगा उसको क्लिक कीजिए, ताकि जब नई नई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाए और आप आसानी से उसको एंजॉय कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पारसी धर्म, जिसको हम लोग जरथूस धर्म भी कहते हैं, इसको जरथूस धर्म इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वो जरथूस्त थे। असल में दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये धर्म आपका ईरान का धर्म है। ईरान जो कंट्री है हमारी, जहाँ पे अभी इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम चाबहार पोर्ट है। इंडिया और ईरान का आपका बहुत ज़्यादा रिश्ता रहा है, तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो जरथूस्त ने आपका इस धर्म की स्थापना की थी। और दोस्तों, इस धर्म के लोगों को पारसी के साथ साथ जुराबियन भी कहते हैं। अब थोड़े से इस धर्म के फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, ये एक ईश्वर में मानते हैं। और ये ईश्वर को आहुरा माजदा कहते हैं, जिसमें जो आहुरा शब्द है ये असुर शब्द से बना हुआ है। अगर आप कभी ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें जो जरथूस्त हैं उन्हें ऋषि अंगीरा बृहस्पति के समकालिक माना जाता है। इनकी माता का नाम दुधोवा था तथा इनका पिता का नाम पौरुषहस्प था। पुरानी पुरानी जो किताबें होती हैं उसके स्रोत से ये पाया गया था कि 30 वर्ष के जब जरथूस्त थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि आप बुद्धिज्म में देखे होंगे, जैनिज्म में देखे होंगे, महात्मा बुद्ध को देखे होंगे, महावीर स्वामी जी को देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर समय तक ये तपस्या करते थे, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी तो फिर ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे लोगों के कल्याण के लिए। तो जो जरथूस्त जी थे उन्हें 30 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनकी मृत्यु 77 वर्ष 11 दिन की आयु में हुई थी। जैसे कि दोस्तों, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं ईसाई हैं, हर धर्म की एक पवित्र ग्रंथ होती है जिसका काम होता है हमें पाथ प्रोवाइड करना, जिसको पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी के रास्तों को चुनते हैं। हिंदुओं में गीता है, मुस्लिम भाइयों में आपका कुरान पाक है, सिखों में आपका गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक उसी तरह जो पारसी धर्म है उसमें आपका जो सबसे पवित्र किताब होती है उसे जिन अवस्था कहते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति की ही एक पुरातन शाखा अवेस्ता भाषा में इसे लिखा गया है, लेकिन ईरान के सासनी काल में जिन अवस्था का पहलवी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे पंचद कहा जाता है। अगर आप जैन अवेस्ता की पहलवी भाषा की अगर आप कभी अनुवाद पढ़ोगे तो उसे पंचद कहते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री अब जान लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्यंस जो थे उन्होंने इंडिया की तरफ कूच किया था, मतलब इंडिया की तरफ इन्वेट किया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इंडिया के साथ साथ ईरान की तरफ भी इन्वेट किया था। थोड़े आर्यन ईरान की तरफ गए थे और थोड़े आर्यन इंडिया की तरफ आए थे। दोस्तों, लेकिन जब 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान को हरा दिया, तो वहाँ पे जो आर्यन जो कि पारसी थे, जो जरथूस्त जी को मानते थे, वो उनके रिलीजन को कन्वर्ट करने लगे इस्लाम में। कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए और वो पानी के रास्ते भागकर इंडिया आ गए। और सबसे पहले वो सूरत पर उतरे, नंदेयर आफ्टर वो लैंड रूट पकड़कर आपका मुंबई में आकर बस गए।
अभी अगर आप जनगणना देखोगे 2011 की, तो करीब करीब 1 लाख पारसी हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसमें कि 70% भारतीय सॉरी पारसी आपका मुंबई महानगरी में पाए जाते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि आपका जमशेद रतन जी टाटा हो गए, या आपका होमी जहांगीर भाभा हो गए, ये सारे के सारे लोग पारसी हैं। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है। अगर आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान सर जिस घर में रहते हैं मन्नत, वो भी एक पारसी का ही घर था। अब दोस्तों हम इनकी धर्म दीक्षा संस्कार के बारे में जानते हैं। जैसे कि हिंदुओं में कई तरह के संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, उसी तरह दोस्तों इनके में भी एक संस्कार होती है, धर्म दीक्षा संस्कार, जिसमें इनके लिए दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उस संस्कार में। पहला, सदरो एक पवित्र कुर्ती होती है और एक पवित्र धागा होता है। इसमें करते क्या है दोस्तों, विशेष आकृति वाली सदरों का निर्माण सफेद सूती कपड़े के 9 टुकड़े से किया जाता है। इसमें एक जेब होती है जिसे किस्म ए कर्फ कहते हैं, और दोस्तों एक पवित्र धागा होता है जिसे कुस्ती कहते हैं। ऊन के 72 धागों को बांट कर इसको बनाते हैं, और कमर के चारों तरफ बांध दिया जाता है, जिसमें 2 गांठ सामने की तरफ होती है और 2 गांठ पीछे की तरफ होती है। और ताकि दोस्तों ये धर्म दीक्षा संस्कार इसलिए ये करते हैं ताकि इनके जो बच्चे हैं ये अपने धर्म को समझ पाएं, ये अपने गोल को समझ पाएं, ये जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाएं। अब दोस्तों हम मानते ये जानते हैं कि जो धर्तुष धर्म है उनकी मान्यता क्या है। हर धर्म की एक मान्यता होती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक उसी तरह जो धर्तुष धर्म है उनकी 2 शक्तियों की मान्यता है। पहला स्पेंता मेन्यू, जो कि विकास और प्रगति की शक्ति है, और दूसरा अंग्र मेन्यू, जो कि विघटन और विनाशकारी शक्ति है। जरथूस्ट जो धर्मावलंबी होते हैं वो 7 देवदूतों की कल्पना करते हैं, जिनमें से प्रत्येक सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी अग्नि तथा सृष्टि के अन्य तत्वों पर शासन करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पारसी धर्म ध्यान हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा मिला हुआ है। हम भी इन 7 लोगों की पूजा करते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, और ये भी देवदूतों की पूजा करते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आखिरी इंफॉर्मेशन है कि अंतिम संस्कार की में प्रथा क्या होती है। ये अक्सर लोगों के दिमाग में रहती है, कई लोग इसके बारे में सुनते हैं कि जो पारसी धर्म वाले लोग होते हैं वो जलाते भी नहीं हैं और दफनाते भी नहीं हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में जो अधिकांश पारसी हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहते हैं, और वहाँ पे एक टावर ऑफ साइलेंस उन लोगों ने बना रखा है, जहाँ पर वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। ये एक तरह का गार्डन है जिसकी चोटी पर ले जाकर शवों को रख दिया जाता है, और फिर गिद्ध आकर उस शवों को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अब हमारे देश में गिद्ध कम हो रही है, तो कल को अगर गिद्ध की जाति विलुप्त हो जाती है तो फिर आपका क्या किया जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं पर दोस्तों अब गाड़ने की दफनाने की प्रथा भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो पारसी धर्म के ऊपर, कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, गुड बाय।